अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पर मैंने बनाया मैंगो मिल्क शेक, बहुत ही क्विक और थोड़े से डिफरेंट तरीके से, मेरे तरीके से। तो चले मैं आपको इसकी रेसिपी देती हूँ। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक तकरीबन छोटा जो कप होता है ना, छोटे वाला, उसमें उसको मैं पानी का मैंने लिया और उसके अंदर मैंने 2 चम्मच जो है वो ब्राउन शुगर जो है, ब्राउन चीनी जो है वो मैंने डालनी है। आप वाइट चीनी भी ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। बस आपने इसको यहाँ पर डिसॉल्व करना है, थोड़ा सा पकाना है, मतलब लाइक 1 मिनट के लिए बस पकाना है। और आपने इसको जो है साइड पर कर देना है, थोड़ा सा इसको आपने ठंडा कर लेना है। तो उसके बाद दिखाते हैं कि फिर हमने इसको क्या करना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने लिए मैंगोज़, मैंने 3 आम लिए हैं और मैंने इनका इस तरीके से छिलका उतार कर इनको पीसेस में काट लिया था। आपको पता है कि कैसे करना है, जिस भी तरीके से आप काटना चाहें बस इनको काट लें आप। और फिर जो है इसको हम एक बाउल में डालेंगे और जो शीरा मैंने बनाया है, सीरप जो मैंने बनाया है, वो थोड़ा सा ठंडा हो गया होगा और वो मैंने इसमें डाल देना है। तो बस यहाँ पर जो मैंने सिरप बना कर रखा हुआ था वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो मैंने इसको यहाँ मैंगोज़ के अंदर डाल दिया और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको फिर से फ्रिज में रख देना ताकि ये मज़ीद ठंडा हो जाए। और उसके बाद हमने मिल्क शेक वाले जग में इसको डालकर इसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है वो कंडेंस्ड मिल्क डाला था। आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। और बस इसके बाद मैंने इसके अंदर डालना है दूध और फिर इसको जो है हमने अच्छे तरीके से इसका मिल्क शेक बना लेना है। इस तरीके से मिल्क शेक का जो जायका है वो बहुत अच्छा आता है। और जो चीनी मैंने डिसॉल्व की थी उससे ये होगा कि जो हमारे मैंगोज़ हैं अगर वो कम भी मीठे हैं तब भी उनके अंदर तक, चूँकि वो उसके अंदर थोड़ी देर के लिए पड़ा रहेगा, तो बहुत अच्छे से जो मैंगोज़ हैं वो मीठे हो जाएंगे और मिल्क शेक जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। तो बस यहाँ पर जो है ये मिल्क शेक बन गया। और यहाँ सबसे पहले मैंने फ्रीज किए हुए थे क्यूब्स इसके मैंगोज़ के, तो वो मैंने यहाँ पर डाले हैं। इसके बाद यहाँ ऊपर मिल्क शेक जाएगा और इसके बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी वेनीला आइस। मैंने उसको कैरामिल की फ्लेवर के लिए है, मिक्स फ्लेवर के लिए है। आप कोई भी नॉर्मल भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो बस यहाँ पर हमारा मैंगो मिल्क शेक जो है वो तैयार हो जाएगा। होप करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, खुदा हाफिज़।